आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी। टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव के हाथ में होगी। दोनों ही टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी। काशवी गौतम ने ऑक्शन के लिए अपना बेस प्राइस 10 लाख रुपए रखा था। उन्हें खरीदने के लिए यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच बिडिंग वॉर देखने को मिले। गुजरात जायंट्स ने उन्हें 2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। वृंदा दिनेश ने अपना बेस प्राइस 10 लाख रुपए रखा था, लेकिन उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच बिडिंग वॉर देखने को मिली, लेकिन अंत में बाजी यूपी वॉरियर्स के हाथ लगी। यूपी की टीम ने उन्हें 1.3 करोड़ रुपए में खरीद लिया। फोबी लिचफील्ड ने ऑक्शन के लिए अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा था, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच तगड़ी जंग देखने को मिली और अंत में गुजरात जायंट्स की टीम ने उन्हें 1 करोड़ की मोटी कीमत पर अपनी टीम में शामिल कर लिया। वुमेन्स प्रीमियर लीग में जहां युवा खिलाड़ियों पर खूब भरोसा देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर कई बड़े खिलाड़ी इस ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। इसी के साथ ही भारतीय फूलमाली प्रिया पुनिया और देविका वैद्य जैसे स्टार खिलाड़ियों को महिला प्रीमियर लीग 2024 ऑक्शन में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। साल 2023 के अंत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारत के 2 धाकड़ तेज गेंदबाजों ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह और शमी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की है, जिसमें बुमराह गेंदबाजी की तो शमी बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज फिरकी गेंदबाज क्लाइड बर्ड्स का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। आपको बता दें कि क्लाइड गुयाना टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट ने ट्विटर पर उनकी मौत की पुष्टि की है। क्लाइड ने साल 1988 में भारत के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था। क्लाइड ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाली थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले टीम इंडिया के युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह ने भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि राहुल सर ने मुझे हमेशा खुलकर और नेचुरल खेल खेलने के लिए कहा है और मैं वही कर रहा हूं। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया। सीरीज के पहले मैच में मिली हार के बाद किवी टीम ने शानदार कमबैक किया। हालांकि इस मुकाबले में भी उनकी स्थिति कुछ खास नहीं थी, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मैच अपनी टीम को 4th दिन जिता दिया। फिलिप्स के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान का कहना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को हर हाल में टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। इरफान ने आगे कहा कि रोहित और विराट के पास वेस्टइंडीज की पिचों पर खेलने का अनुभव है, जिसका फायदा टीम इंडिया को मिलेगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के बारे में बात करते हुए असगर अफगान ने बताया कि जब मैंने धोनी से कहा कि मोहम्मद शहजाद आपके बहुत बड़े फैन हैं और वो आपकी टीम में खेलना चाहते हैं, इसके जवाब में धोनी ने कहा कि अगर वो 20 किलो वजन कम कर लेते हैं तो धोनी उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे।